हेलो गाइस, आज मैं एसएससी के जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला रिलीज़ किया हुआ है एसएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे, उसके बारे में मैं बात करूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है क्या और एक्चुअल में इसका बेनिफिट क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलो आज बात करते हैं। पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि नॉर्मलाइजेशन है क्या और किस लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि एसएससी जो अपना एग्ज़ाम था वो एक ही डेट पे सेम क्वेश्चन पेपर को करवाता था। ठीक है, सेम क्वेश्चन पेपर पे आप पूरा ही एग्ज़ाम होता था और वो कंप्यूटर बेस्ड ना होके मैनुअल होता था। ठीक है, तो बट अब क्या है, एसएससी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो आपकी एग्ज़ाम है वो एक डेट पे नहीं पॉसिबल हो पा रही है ड्यू टू इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, और नंबर ऑफ कंप्यूटर पर्याप्त ना होने की वजह से, तो जिस वजह से क्या हो रहा है, शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहे हैं। फिर क्या होता है, अगर एग्ज़ाम शिफ्ट्स में हो तो कुछ बच्चों का ये मत रहता है कि एग्ज़ाम्स जो था वो किसी शिफ्ट में टफ डल गया हुआ था। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पेपर सेटर्स होते हैं वो एक ही लेवल का क्वेश्चन डिसाइड करना नहीं कर सकते हैं, डिसाइड ऑब्वियसली है जब इतने नंबर ऑफ सेट बनेंगे, तो कुछ एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो टफ डल जाते हैं और कुछ क्या होते हैं ईजी। तो फिर शिफ्ट्स के रिजल्ट को देखते हुए क्या किया जाता है, ईजी वाले एग्ज़ाम्स जो रहेंगे, जो बिल्कुल ईजी डल गए हुए थे उनको, और जो टफ डले हुए थे उनके एवरेज मार्क्स को देख के एक फार्मूला निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फार्मूला यूज़ करके, मल्टी शिफ्ट के एग्ज़ाम्स वाले, जो एसएससी के मल्टी शिफ्ट वाले एग्ज़ाम हैं उनके मार्क्स को नॉर्मलाइज करने के लिए। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जो कैंडिडेट जिन्होंने ऐसी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम दिया हुआ है जिनके पेपर टफ रहे हैं, उनको बेनिफिट ये होगा कि उनके मार्क्स अगर कम आए हुए हैं तो उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, और ऐसे कैंडिडेट्स जिनने इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया हुआ है उनके मार्क्स नॉर्मलाइज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये होगा कि किसी की भी ऐसी कोई ब्लेम नहीं रहेगा कि एसएससी ने कुछ ऐसा किया है कि कुछ टफ पेपर डले थे और कुछ ईजी थे, तो इट मीन्स कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, कि एसएससी अपनी मर्ज़ी से ऐसा कुछ कर रहा है, तो एसएससी ने इसके लिए तो एसएससी ने इसको दूर करने के लिए क्या किया है, एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अपनी साइट पे रखा हुआ है जो कि मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे एसआई सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में हो, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, ठीक है, सभी के लिए अप्लीकेबल हो रहा है ये। तो उन्होंने ये फार्मूला यहाँ पे निकाला हुआ है जिसमें कि आपने अगर स्टैटिक्स पढ़ी हो तो उसमें ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, यहाँ पे इन्होंने जो टर्म्स मेंशन की हुई हैं, तो इन्होंने फर्स्ट टर्म जो मेंशन की हुई है दैट इज़ एम आई जे वार। तो इन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है कि जो एम आई जे वार है वो नॉर्मलाइजेशन मार्क निकलेंगे किसके, जेत कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट है जो आई शिफ्ट में पेपर दे चुका है। ठीक है, मतलब कोई भी एक, जैसे पांच शिफ्टें हैं तो फोर्थ शिफ्ट का कैंडिडेट एक जो है वो आई बोल रहे हैं और आई शिफ्ट का वो कैंडिडेट है। ठीक है, और सेकेंड टर्म है एम बार जी टी, तो ये वाली जो टर्म है इट इज़ द एवरेज मार्क ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल द शिफ्ट, एक ऑल जो शिफ्ट्स के मार्क्स हैं उनका एवरेज है। ठीक है, टॉप 0.1% कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट्स कंसिडरिंग ऑल द शिफ्ट्स। नेक्स्ट टर्म जो इसमें है वो एम क्यू जी क्यू है, इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट्स। ठीक है, मीन वैल्यू है सम मीन वैल्यू सॉरी मीन सम्स का मीन वैल्यू का सम है वो, और अगर नेक्स्ट टर्म की बात करें तो एम बार टी आई इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट इन आई शिफ्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर शिफ्ट, ये वाली जो टर्म है वो एवरेज वैल्यू है एक पर्टिकुलर शिफ्ट में, और ये ऊपर वाली जो टर्म है दैट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल कंसिडरिंग शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद एम आई क्यू है इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई शिफ्ट। तो इस तरह से इन्होंने दो चीज़ों को मेंशन किया हुआ, एक तो टोटल एवरेज निकाला हुआ है ऑल शिफ्ट्स का और एक पर्टिकुलर शिफ्ट्स के एवरेज को कंसीडर किया हुआ है और उनकी वैल्यूज पुट करके यहाँ पे इन्होंने निकाल ली हुई है। तो इस तरह से जो मार्क्स निकलेंगे वो एक्चुअल कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन रहेगी, द कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन अप टू द 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस तक की कैलकुलेशन इसमें रहने वाली है। ठीक है, तो ये था नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है वो इजीली इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अपने अपने मार्क्स कितने बन रहे हैं,
और एवरेज मार्क्स तो आपको पता नहीं होंगे फिलहाल कि एवरेज मार्क्स कितना निकल रहा है ऑल कंसीडर शिफ्ट्स का, तो बट आप इसको इसलिए इजीली ले सकते हो कि आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, तो आपको एक तरह से ये खुशखबरी है। और एक फैक्टर ये है कि जो SSC है वो अच्छे से काम कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि टफ शिफ्ट का एग्ज़ाम के कम मार्क्स रहने वाले हैं, उनको भी पूरा बेनिफिट मिलेगा, उनको उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन एक खुशखबरी है जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स, जिन कैंडिडेट्स ने टफ वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया और मार्क्स कम पड़ रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स पे ध्यान रखें। थैंक यू।